Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. और 2018 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और फिर जीरो से स्टार्ट की थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ सिपाही के वक्त पर रहते हुए जहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती है फिर भी मैं अपना समय निकालता था, तो हर नवयुवक कर सकता है। और सच तो ये है कि 2 साल से ना मित्र साथ रहे, न रिश्तेदार साथ रहे और सबको लगा कि बात ही नहीं करता है, तो आज रिजल्ट आ गया तो सब खुश हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। सीओ सिटी साहब थे, मैं उनके ऑफिस में काम करता था 2018 में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं तैयारी करते हो, अगर चाहो तो करके देख लो, तो तभी से मन किया कि चलो तैयारी करते हैं और मैं शुरू हो गया। और लगातार फिर मैंने मन में ठाना कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने ड्यूटी भी पुलिस विभाग में नौकरी ज्वाइन की सिपाही के पद पर, फाइनेंशियल मजबूत हुआ मैं खुद। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की ये लाइन आपने कई भाषणों में सुनी होगी, लेकिन इन पंक्तियों को सच कर दिखाया है यूपी पुलिस के इस सिपाही ने। जी हाँ, ये है झांसी में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही अनिल चौधरी। अनिल ने अपने चौथे प्रयास में यूपी पीसीएस में सफलता हासिल करते हुए 21वीं रैंक हासिल की। लेकिन अनिल के लिए पुलिस जैसी 24 घंटे की नौकरी करते हुए कठिन परीक्षा की तैयारी करना इतना भी आसान नहीं था, और इसी परिश्रम की कहानी भी जब इंटरव्यू में बोर्ड ने पूछी कि आखिर पुलिस की नौकरी और तैयारी में कैसे सामंजस्य बैठाया, इस पर अनिल का जवाब बेहद ही दिलचस्प रहा। अनिल की कहानी सिर्फ अनिल की सफलता नहीं बल्कि उन अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा है जिनके सपने बड़े हैं लेकिन परिस्थितियां भी उनके सामने होती हैं। अनिल ने हमें बताया कि 2018 में उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन इस दौरान कैसे उन्होंने नौकरी, परिवार और पढ़ाई में तालमेल बैठाया, ये एक बार आप सुन लीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जनपद झांसी में सिपाही के पद पर तैनात हूँ, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में मैं चयनित हुआ हूँ नायब तहसीलदार के पद पर, और पिछले छः वर्षों से जनपद झांसी में मैं तैनात हूँ, और अपनी तैयारी ड्यूटी के दौरान ही मैं लगातार तैयारी करता रहा। अधिकारियों के साथ मैंने कार्यालयों में ड्यूटी की तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और लगातार उनके निरीक्षण, उनके निर्देशन पर अपनी तैयारी में जुटा रहा। संघर्ष था, का रास्ता इतना सरल नहीं था, फिर भी हार नहीं मानी, और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, और पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, लगातार चौथा अटैम्प्ट। जब एक समय आया लोगों ने कही चलो छोड़ो, सब इंस्पेक्टर में आपका चयन हो गया, उसे ज्वाइन कर लो, लेकिन मन में शुरू से ये था कि आईएएस बनना है, आज नहीं तो कल, और जब तक बनने जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी नवयुवक हैं, अगर मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ सिपाही के पद पर रहते हुए, और एक ऐसे परिवेश से आता हूँ कि मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने ड्यूटी भी पुलिस विभाग में नौकरी ज्वाइन की सिपाही के पद पर, फाइनेंशियल मजबूत हुआ मैं खुद, उसके बाद मैं तैयारी भी अपनी साथ में करता रहा। और मेरे जीवन में एक गैप भी था क्योंकि मैंने 12th 2012 में कर ली थी, 11-12 में, और 2018 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और फिर जीरो से स्टार्ट की थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ सिपाही के पद पर रहते हुए जहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती है फिर भी मैं अपना समय निकालता था, तो हर नवयुवक कर सकता है। मैं अपने अधिकारियों के साथ रहा, बचपन से कोई ऐसा मन में नहीं था कि मैं एक आईएएस की तैयारी करूंगा और आईएएस बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं जिस ग्रामीण परिवेश से आता था वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि आपको आईएएस ही बनना है, या फिर क्योंकि वहाँ था गांव में एक माहौल रहता है कि आप सरकारी नौकरी कर लो एक, और एक पुलिस में लग जाओ या आर्मी में लग जाओ। तो उसके बाद ही जब नौकरी ज्वाइन की, 2 साल नौकरी की, अधिकारियों के साथ ड्यूटी की, अधिकारियों के साथ रहते ही मन में प्रेरणा आई, और उस प्रेरणा से ही एक मोटिवेशन सा मिला और लगातार तैयारी करता रहा। और मैं श्रेय तो ये है कि सभी अधिकारी जो मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ काम करता था ऑफिसों में, तो मेरे काम की सराहना करते थे और मेरे काम को देखते हुए हमेशा मुझे कहते थे कि अनिल आप तैयारी कर रहे हो कि सिपाही पर ही अपने आप को संतुष्ट पाते हो, तो मैंने सर अभी तो कुछ नहीं सोचा। तो सीओ सिटी साहब थे, मैं उनके ऑफिस में काम करता था 2018 में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं तैयारी करते हो, अगर चाहो तो करके देख लो, तो तभी से मन किया कि चलो तैयारी करते हैं, और मैं शुरू हो गया। और लगातार फिर मैंने मन में ठाना कि जब तक
हो नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ड्यूटी से कैसे सामंजस्य बनाना? हाँ, ड्यूटी से सामंजस्य बनाना थोड़ा कठिन होता था, लेकिन इसके लिए फिर अपने आप के लिए लाइफ सेक्रीफाइस थी, कम सोना, अन्य चीज़ों से दूर रहना, अवकाश पर ना जाना, यही सब था। टाइम बचता था जितना भी, वो सिर्फ केवल पढ़ाई में जाता था बस। कोशिश ये रहती थी कि ड्यूटी नाइट में लग जाए, क्योंकि नाइट में ड्यूटी में थोड़ा आराम रहता था और अपना पढ़ लेते थे, उसमें एक आध घंटे ही पढ़ने को मिल पाता था। खैर ऐसा नहीं कि पूरा ही आराम मिल जाता था, और फिर उसके बाद नाइट में जाने के बाद सुबह 3-4 घंटे, लास्ट ईयर 2-3 साल से तो मैंने 4-5 घंटे यही नींद ली है, क्योंकि 11-12 बजे बाद मैं जैसे उठता था, फिर शाम के जब तक ड्यूटी आता था 7-8 घंटे लगातार लाइब्रेरी में पढ़ता रहता। हाँ, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी यहाँ से जाने के बाद बस सो के उठता था, उसके बाद सीधे लाइब्रेरी जाता था लगातार 7-8 घंटे, बस 4-4 घंटे के 2 शेड्यूल बना के 4 घंटे एक टाइम 4 घंटे एक टाइम 8 घंटे पढ़ता था लगातार। मेरा शेड्यूल था मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, अपनी नौकरी करूंगा, और बचे हुए टाइम में जो एक आध घंटा बचेगा उसमें नहा धो लूँगा, खा पी लूँगा बस। और सच तो ये है कि 2 साल से ना मित्र साथ रहे, न रिश्तेदार साथ रहे, और सबको लगा कि बात ही नहीं करता है, तो आज रिजल्ट आ गया तो सब खुश हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, बस यही था कि बस जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप की आंखों में वो एक चमक देख ली, उन्हें लगने लगा कि तैयारी कर रहा है, तो बस लगा कि यार इसको आज खुशी सबसे ज़्यादा इसी बात की है कि मेरी वजह से माँ बाप खुश हैं, घर खुश है, तो बस उस खुशी में ही हमारी खुशी। लेकिन अनिल की यात्रा केवल यहीं तक नहीं है, उन्होंने बताया कि यूपीएससी के लिए भी वे प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए उनके अभी 3 अटेम्प्ट बाकी हैं, क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। आज अनिल के इसी हुनर को लोग ही नहीं, उनका पूरा यूपी पुलिस विभाग भी सैल्यूट कर रहा है। झांसी के SSP राजेश एस ने अनिल चौधरी को बुलाकर जहां बधाई के साथ मुंह मीठा कराया, तो वहीं यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी प्रयास करने की शुभकामनाएं दी। हमारा झांसी जनपद में तैनात कांस्टेबल अनिल चौधरी ने नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ, जो बहुत खुशी की बात है, और हमारा झांसी पुलिस का नाम रोशन किया, इनको बधाई देते हुए और इनको और आगे शुभकामनाएं भी दे रहा हूं, और मेहनत करके इनको यूपीएससी जैसे एग्जाम भी लिखने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं। झांसी से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।